ई कॉमर्स का साम्राज्य कैसे स्थापित करें? हम सबको पता है ऑनलाइन रिटेल का जादू। सिर्फ कुछ कीबोर्ड टैप्स पर आपके दरवाजे पर लगभग कोई भी आइटम कुछ ही दिनों में डिलीवर हो सकता है। जरूर, सारा शॉपिंग क्विकली आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, पर क्या होता अगर आप ट्रांजेक्शन के दूसरे साइड पर होते? बहुत सारे ओह सो कन्वीनियंट ऑनलाइन स्टोर्स एक्चुअली ड्रॉपशिपिंग रिटेलर्स होते हैं। वो बायर्स को होलसेलर्स से जोड़कर पैसे कमाते हैं, जो बहुत कम मेहनत में बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप भी इस एक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। आपको शुरू करने के लिए जरूरी सब कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोडक्ट चुनने से लेकर होलसेलर ढूंढने तक और बीच के सब छोटे डिटेल्स नेविगेट करने तक। इन वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह के स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बेहतरीन सेलिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितने वेबसाइट विजिटर्स असल में कुछ खरीदते हैं, और आपको 1-800 नंबर क्यों लेना चाहिए। मान लीजिए आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं, शायद एक फनी टी शर्ट, एक छोटा अप्लायंस या एक नया फैंसी कैट टॉय। सच में कुछ भी हो सकता है। कुछ क्लिक्स के साथ आप पेमेंट करते हैं, कन्फर्मेशन ईमेल मिलता है और आप अपने पैकेज का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। अब चांस है कि आप वो आइटम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद रहे, इसके बजाय आप एक बीच वाले को ऑन ऑर्डर हैंडल करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस को ड्रॉपशिपिंग कहते हैं और ये ऑनलाइन रिटेलर्स को अपने पास कोई भी आइटम स्टॉक किए बिना पैसा कमाने देती है। अगर ये आपको एक अच्छी छोटी बिजनेस लगती है तो आप लकी हैं। थोड़ी पहलकदमी और जानकारी के साथ आप भी अपना प्रॉफिटेबल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यहाँ की की मैसेज ये है, ड्रॉपशिपिंग एक आसान तरीका है ऑनलाइन रिटेल के साथ पैसा कमाने का। तो ड्रॉपशिपिंग कैसे काम करता है? वेल, ये लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ने के बारे में है बिना किसी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर फ्रंट के। देखिए, ट्रेडिशनल रिटेल में एक मर्चेंट आइटम्स को बल्क में खरीदता है और फिर वो इन्वेंटोरी को कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा बेचता है। ड्रॉपशिपिंग में मर्चेंट इन्वेंटोरी को तब तक नहीं खरीदता जब तक ऑर्डर्स कलेक्ट नहीं कर लेता। वो कस्टमर्स की तरफ से मांगी गई आइटम्स को कम प्राइस पर खरीदते हैं और अंतर को प्रॉफिट के रूप में कलेक्ट करते हैं। यहाँ एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। आप एक ऑनलाइन शॉप सेटअप करते हैं जो कैट टॉयज $20 में बेचती है। एक कस्टमर एक टॉय का ऑर्डर देता है और आपको $20 देता है। फिर आप उस कस्टमर के ऑर्डर को एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को भेजते हैं जो हर टॉय $15 में बेचता है। आप $15 देते हैं, वे ऑर्डर को कस्टमर तक शिप करते हैं और आप $5 का अंतर अपने पास रख लेते हैं। कस्टमर को उनका टॉय मिलता है, आपको अपना प्रॉफिट मिलता है और सब खुश होते हैं, खासकर कैट। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस सेटअप करना इसलिए ग्रेट है क्योंकि इसमें शुरू करने के लिए ज्यादा ओवरहेड नहीं लगता। आपको पहले से ही बड़े इन्वेंटोरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को अपने घर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है या शिपिंग प्रोसेस को फिजिकली हैंडल करने की जरूरत नहीं है। असल में ज्यादातर काम ऑर्डर्स प्रोसेस करना, अपने ऑनलाइन शॉप को मार्केट करना और जरूरत पड़ने पर किसी भी कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है। बिल्कुल, किसी भी बिजनेस की तरह इसके डाउनसाइड्स भी हैं। ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में ऑप्शंस एंडलेस हैं और कंपटीशन फियर्स है, और चूंकि ज्यादातर ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस को लो रखना पड़ता है, आप शायद बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ शुरू कर सकते हैं। प्लस आपको किसी भी कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, डिलीवरी स्नैफू से लेकर प्रोडक्ट्स तक। इसलिए सही होलसेलर के साथ पार्टनरशिप करना एसेंशियल है, जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट होलसेलर कैसे ढूंढें, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे चुनें और अपनी ऑनलाइन शॉप को कैसे सेटअप करें। सोचो, आप एक ग्रोसरी स्टोर में हो। हर आइसल में दर्जनों प्रोडक्ट स्टॉक्ड हैं, सीरियल्स और कैंड वेजिटेबल्स से लेकर शुगरी स्वीट्स और फ्रोजन मील्स तक। क्या सिलेक्शन है? जरूर, आपका लोकल मार्केट ये गुड्स खुद नहीं बनाता, ये बस सप्लायर से गुड्स कलेक्ट करता है और उन्हें आप कस्टमर के सामने पेश करता है। वही कॉन्सेप्ट जब आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप करते हैं तब भी अप्लाई होता है। आपको मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपके ऑनलाइन शॉप के डिजिटल शेल्व्स को स्टॉक करें। ये कंपनीज असल में ड्रॉप शिपर्स हैं। ये प्रोसेस अक्सर कुछ बेसिक गूगल सर्चेस से शुरू होती है, एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी ब्राउज करके या सोशल मीडिया पर रेफरल्स मांग के। आपको जल्दी ही कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर सही एक चुनना अक्सर थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन लेता है। यहाँ का की मैसेज ये है, अपने बिजनेस को सही से स्टार्ट करें बेस्ट ड्रॉपशिपर्स ढूंढ के। आपके ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को सक्सीड करने के लिए
आपको सही ड्रॉपशिपर ढूंढना पड़ेगा जो आपको जरूरी प्रोडक्ट्स फेवरेबल टर्म्स भी प्रोवाइड करे। आखिर क्या आप अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग करते रहेंगे अगर उसका स्टॉक इनकंसिस्टेंट और लो क्वालिटी होता? शायद नहीं। इसलिए पोटेंशियल ड्रॉपशिपर्स की वास्ट अरे को सॉर्ट थ्रू करना क्रूशल है ताकि सबसे रिलायबल वंस मिले। प्रॉमिसिंग ड्रॉपशिपर्स आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है एक बिजनेस के ई कॉस्ट और सर्विस को इवैल्यूएट करना है। पहले उनके रेट्स देखें। इसमें ऑब्वियस डिटेल्स शामिल हैं, जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस। इसमें नॉट सो ऑब्वियस वंस भी शामिल हो सकते हैं, जैसे मेंबरशिप फीस, रीस्टॉकिंग चार्जेस या मिनिमम ऑर्डर प्राइसेस। कुछ रेट्स एडवर्टाइज किए जाएंगे लेकिन कुछ हिडन हो सकते हैं, इसलिए हमेशा एक आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ कॉस्ट के लिए सीधे पूछें। हर एक ड्रॉपशिपर केई सर्विस के क्वालिटी इवैल्यूएट करना थोड़ा ट्रिकियर है और कुछ जासूसी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर ई की सप्लायर रेगुलेटोरी एजेंसी जैसे कि बेटर बिजनेस ब्यूरो के साथ रजिस्टर्ड है तो ये सप्लायर केई लेजिटिमेसी के लिए वाउच कर सकता है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वे कितने समय से ऑपरेट कर रहे हैं डोमेन एज चेकर का यूज करके। जितना लंबा समय हो उतने ज्यादा रिलायबल लाइकली होंगे। उन बिजनेसेस से सावधान रहें जो बहुत नए लगते हैं, अपने एड्रेसेस लिस्ट नहीं करते या सिर्फ अजीब पेमेंट मेथड्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स। ई के ड्रॉपशिपर के ई सर्विस को जज करने का एक अच्छा तरीका है खुद उस एक्सपीरियंस को लेना। किसी भी पोटेंशियल पार्टनर को कॉल करें और अपने क्वेश्चंस और कंसर्न्स के बारे में बात करें। बेस्ट कंपनीज के पास हेल्पफुल सेल्स स्टाफ होगा जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार होगा। आप एक छोटी टेस्ट ऑर्डर के साथ कंपनी के ई प्रोडक्ट्स और सर्विस क्वालिटी को भी असेस कर सकते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली जाता है और आपको उनके गुड्स पसंद आते हैं तो चांसेस हैं कि आपके फ्यूचर कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होंगे। 1980s में एक आदमी को एक लोकल डिपार्टमेंट स्टोर में अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए अरेस्ट किया गया था। ई के वेल ड्रेस्ड और अदरवाइज एवरेज लुकिंग बिजनेसमैन होने के बावजूद सस्पेक्ट ने आईब्राउज रेज कर दिए। वो घंटों तक शेल्व्स को घूर रहा था और स्क्रूपुलसली नोट्स ले रहा था। ये ऑडबॉल कौन था? सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के फाउंडर। जबकि उनकी रिटेल एम्पायर पहले से ही मिलियंस कमा रही थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कॉम्पिटिशन के साथ बने रहने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए पुश करना जारी रखा। एक टेनेशियस और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच जो आपके अपने ड्रॉप शिपिंग ऑपरेशन स्थापित करने से पहले सीखने लायक है। यहाँ का की मैसेज ये है, सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स ऑफर करके अपना बिजनेस बनाए। ई के कंपनी जैसे वॉलमार्ट के पास नियरली हर इमेजिनेबल प्रोडक्ट ऑफर करने की स्केल और मैन पावर है। अब शुरुआत में आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर उस अप्रोच को संभाल नहीं पाएगा। जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो बेहतर है छोटा जाना और अपना नीश ढूंढना। 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑफर करने के बजाय कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पेशलाइज्ड आइटम्स चुनें। जितना स्पेसिफिक उतना बेहतर सोचो कैट थीम स्वेटर्स या इको फ्रेंडली कैंडल्स के बारे में। पर आप नीश प्रोडक्ट्स कैसे चुनें जो बेचना चाहते हैं? वेल, आप अपनी खुद की लाइफ से शुरू कर सकते हैं। आप स्टोर्स में कौन सी यूनिक प्रोडक्ट्स ढूंढना पसंद करेंगे और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के क्या नीश इंटरेस्ट हैं? आप इंस्पिरेशन के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। रिटेल हॉटस्पॉट्स जैसे Amazon बेस्ट सेलर्स लिस्ट और eBay's डेली डील्स चेकआउट करें। ये सोशल मीडिया शॉपिंग पेजेस जैसे Instagram और Pinterest के साथ आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं। एक बार जब आपने अपने प्रोडक्ट्स चुने और क्वालिटी सप्लायर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके आइटम्स बेचने का समय आ गया है। शुरू करना एक आसान तरीका है उन्हें बड़ी वेबसाइट्स जैसे Amazon और eBay पे डालना। ना सिर्फ ये पॉपुलर एम्पोरियम्स लिस्टिंग्स बनाने में आसान बनाते हैं बल्कि इन्हीं हर दिन लाखों शॉपर्स विजिट करते हैं। ये एक एडवांटेज है। फ्लिप साइड भी, ये साइट्स बहुत बड़ी हैं जो स्टैंड आउट करना मुश्किल बनाता है, और कस्टमर्स के इतने सारे ऑप्शंस होने के कारण किसी भी लॉयल्टी या रिपीट शॉपर्स बनाने के चांसेस कम हैं। एक विकल्प है अपनी खुद की इंडिपेंडेंट वेबसाइट सेटअप करना जो आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देता है। आप एक ज्यादा कोहेरेंट यादगार ब्रांड बिल्ड करने में सक्षम होंगे जो एक मजबूत फॉलोइंग को स्पार्क करता है। डाउनसाइड यह है, शुरुआत में आपका ट्रैफिक लाइकली लो होगा। इससे मार्केटिंग पर एक क्रूशल एम्फेसिस डालता है जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड करें
और अपने बिजनेस की ओर स्केल कैसे करें। यहाँ एक स्टेटिस्टिक है जो आपको थोड़ा रुकने पर मजबूर कर सकता है। एवरेज ई कॉमर्स स्टोर का कन्वर्जन रेट सिर्फ 1-2% होता है, मतलब हर 100 विजिटर्स में से आपके ऑनलाइन शॉप पर सिर्फ 1 या 2 ही कुछ खरीदने की संभावना रखते हैं। तो अगर आपको एडिक्वेट सेल्स चाहिए तो आपको बहुत सारे लोगों को अपनी साइट पर आने की जरूरत होगी। सवाल ये उठता है, ट्रैफिक कैसे जनरेट किया जाए? पुराने दिनों में रिटेल शॉप्स न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करते थे, फ्लैशी बिलबोर्ड्स खरीदते थे या लोकल रेडियो या टीवी कमर्शियल पर स्प्लर्ज करते थे। दुर्भाग्य से ऑनलाइन रिटेल के युग में ये ट्रेडिशनल टैक्टिक्स थोड़े पुराने पड़ गए हैं। लकीली आपके एडवांटेज के लिए कई नए टूल्स हैं। यहाँ का की मैसेज ये है, सभी सेल्स एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ शुरू होती हैं। जैसे ट्रेडिशनल रिटेल में कस्टमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिना देखे नहीं खरीदेंगे, तो एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस अपने मार्केटिंग ऑपरेशन पर सक्सीड करता है या फेल हो जाता है। सही अप्रोच को ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ढूंढना थोड़ा ट्रायल एंड एरर लेता है और एग्जैक्ट टैक्टिक्स आपके प्रोडक्ट चॉइस और सेलिंग प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करते हैं। पर कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो प्रूवन है काम करने के लिए। पहले, अगर आप अपने आइटम्स को Amazon या eBay जैसे मेजर वेबसाइट पर लिस्ट कर रहे हैं तो आपके मेन चैलेंज क्राउड से स्टैंड आउट करना है। आपको अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को एक्यूरेट और अट्रैक्टिव रखने की जरूरत है। इसके लिए आई कैचिंग डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स का यूज करें जो आपके प्रोडक्ट के बेस्ट क्वालिटीज को हाईलाइट करें, जैसे कि यूज का ब्रांड नेम या की फीचर्स। साथ ही मल्टीपल क्लियर और वेल शॉट फोटोज प्रोवाइड करें जो प्रोडक्ट्स को शोकेस करें। और जरूरी तो नहीं, पर एक्स्ट्रा कैश कुछ अपग्रेड्स पर स्पेंड करने पर विचार करें, जैसे बोल्ड फॉन्ट्स या लार्जर इमेजेस। अगर आपने अपनी खुद की वेबसाइट का यूज करने का फैसला किया है तो ट्रैफिक जनरेट करने के दूसरे तरीके हैं। बेस्ट अप्रोच थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड करना है। 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स चुनें, जैसे फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट, और कुछ टारगेटेड एड्स खरीदें। इससे आप प्लेटफॉर्म के डेमोग्राफिक टूल्स का यूज करके उन यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा खरीदने की संभावना रखते हैं। तो अगर आप हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स गियर बेच रहे हैं तो यंग एक्टिव लोगों को टारगेट करें। अगर आप स्टैंप कलेक्टिंग सप्लाईज बेच रहे हैं तो एक ओल्डर ऑडियंस को एम करें। दोनों केसेस में सेल्स ड्राइव करने का बेस्ट तरीका आपके शॉप के स्टर्लिंग रेपुटेशन को शोकेस करना है। हमेशा अपने कस्टमर्स से पॉजिटिव रिव्यूज सॉलिसिट करना याद रखें। ये आपके बिजनेस को मच नीडेड लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे और फ्यूचर सेल्स क्लोज करने में मदद करेंगे। राइज एंड ग्राइंड, हसल, वर्क हार्ड टू प्ले हार्ड, ये सिर्फ फ्लैश कैच फ्रेज नहीं है। ये असल में ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस करने के लिए जरूरी माइंडसेट का काफी सही वर्णन है। जबकि ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशन इवेंटली पे ऑन ऑफ होता है, इसमें टाइम, मनी और एफर्ट के रूप में कुछ अपफ्रंट कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। कितना एग्जैक्टली? वेल, ये डिपेंड करता है। अगर आप 1 साल के लिए हर हफ्ते 10-15 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो आप लाइकली $1,000-$2,000 तक महीना कमा सकते हैं। अगर आप पूरा 40 आवर का वर्क वीक डालते हैं तो आप पॉसिबली 1 साल का अबाउट $50,000 का सैलरी जनरेट कर सकते हैं। बुरा नहीं है, पर अपने कॉइन गिनने से पहले आपको कुछ फाइनल डिटेल्स से डील करना पड़ेगा। यहाँ का की मैसेज ये है, शुरुआत करने से पहले सारे छोटे डिटेल्स को स्मूथ आउट कर लें। इवेंटली आपका ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बहुत कम काम के साथ इनकम जनरेट करेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले आपको सारी अपफ्रंट प्लानिंग का ध्यान रखना होगा। शुरुआत में डिसाइड करें कि आप हर महीने कितना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग हैं और उस प्लान पर ट्राई करें स्टिक करना। लगभग $1,000 शुरू करने के लिए काफी होना चाहिए। ये किसी भी स्टार्टअप एक्सपेंसेस जैसे वेब होस्टिंग और एडवर्टाइजिंग और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो आप एनकाउंटर करेंगे को कवर करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक बिजनेस शुरू करना थोड़ा लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर सकता है। एग्जैक्ट डिटेल्स आप कहाँ रहते हैं पर डिपेंड करते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो आपको IRS से एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या EIN ऑनटेन करने के लिए कॉन्टैक्ट करना होगा। आप अपनी कंपनी को एक सोल प्रोप्राइटरशिप, अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या AC कॉरपोरेशन के रूप में इनकॉर्पोरेट करना भी चाहेंगे। इनमें से हर एक डेसिग्नेशन अलग टैक्स और लीगल ऑब्लिगेशंस ऑनफर करता है, तो चेक करें कि कौन सा आपके लिए काम करता है ऑनर्डर्स लेने से पहले। हालांकि आपको अपने फाइनेंस सॉर्टेड आउट कर लेने चाहिए। सिंपलिसिटी के लिए
अपने बिजनेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट एस्टेब्लिश करना स्मार्ट होता है, ताकि आप अपने ड्रॉपशिपिंग बजट को अपने एवरीडे फाइनेंस के साथ मिक्स न करें। और एक कमर्शियल पेपाल अकाउंट से कनेक्टेड एक बिजनेस चेकिंग अकाउंट रखना मनी अराउंड मूव करने में मदद करता है जब आप बाय और सेल करते हैं। आपके ऑपरेशन को सही फुट पर शुरू करने के लिए और भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी वेबसाइट के लिए एक परमानेंट डोमेन नाम खरीद सकते हैं। ये एक ऑफिशियल बिजनेस ईमेल के साथ आपके कम्युनिकेशंस को ज्यादा लीगिटिमेट लुक देती है। कुछ एंटरप्रेन्योर एक टोल फ्री 1-800 नंबर भी खरीदते हैं। ये एक छोटा टच है, पर एक जो आपके ऑनलाइन बिजनेस को कस्टमर्स के लिए ज्यादा सब्सटेंशियल अपियर करने में मदद करता है। ठीक है, आपने अपने उत्पादों का चयन कर लिया है और अपने आपूर्तिकर्ताओं को भी ढूंढ लिया है। आपने अपने व्यवसाय बैंक खातों, प्रतिक्लिक विज्ञापनों और एक फैंसी टोल फ्री नंबर तक सेटअप कर लिया है। बधाई हो। अब अंत में ड्रॉप शिपिंग शुरू करने का समय आ गया है। हम पहले ही इस सब का बुनियादी कैसे काम करता है कवर कर चुके हैं। पहले आपको एक ग्राहक से ऑनऑर्डर मिलता है। अगला, आप उस ऑनऑर्डर को अपने आपूर्तिकर्ता के पास भेज देते हैं। और अंत में आप ग्राहक से यह जानने के लिए अनुसरण करते हैं कि उन्हें उनका पैकेज मिला या नहीं। यह सब कुछ काफी सीधा है, लेकिन जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, हमेशा इसे और भी सरल बनाने के विकल्प होते हैं। यहाँ मुख्य संदेश है, अपने कार्य प्रवाह को स्वचालित करके अधिक पैसा कमाएं और समय बचाएं। पहले कुछ सप्ताह आपको अपने नए ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय को बहुत अधिक व्यावहारिक तरीके से चलाना चाहिए। हर बार जब आपको एक ऑनऑर्डर मिलता है, तो आपूर्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विवरण रिले करना एक अच्छा अभ्यास है। फिर जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि उत्पाद भेज दिया गया है, तो खरीदार को एक कस्टम निर्मित पुष्टिकरण ईमेल भेजें जो एक ट्रैकिंग नंबर के साथ पूरा होता है। यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली है, लेकिन यह आपको व्यवसाय के प्रवाह को सही मायने में समझने में मदद करेगा। एक बार जब आपको लय और दिनचर्या की मजबूत पकड़ मिल जाती है, तो आप ड्रॉपशिपिंग कार्य प्रवाह को और अधिक स्वचालित करना शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपने ग्राहकों के ऑनऑर्डर को अपने पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के पास स्वचालित रूप से अग्रेषित करना। जब आप ऐसा करते हैं, तो दोबारा जांच करें कि आपका ईमेल टेम्पलेट सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है, जैसे कि उत्पाद शीर्षक, खरीद आदेश और शिपिंग पता। अधिकांश ऑनलाइन वेब शॉप पहले से ही ये विवरण मूल ऑनऑर्डर में प्रदान करते हैं, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने स्वचालित ईमेल फॉरवर्डिंग सेट करने के बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। आपको हर दिन या उससे थोड़ा अधिक जांच करनी होगी कि प्रत्येक ऑनऑर्डर संसाधित हो रहा है या नहीं। जरूर कुछ गलतियां या हिचकी होंगी, उत्पाद स्टॉक से बाहर होंगे, पैकेज खो जाएंगे और आइटम क्षतिग्रस्त या खराब पहुंचेंगे। इन मामलों में उत्पाद को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलना या वापस करना सबसे आसान होता है। यह अभ्यास प्रतिपूर्ति एकत्र करने से कम समय लेता है और आपके ग्राहकों को अधिक खुश रखता है। यदि आप देखते हैं कि आपका ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है, तो शायद आपके व्यवसाय को बड़ा करने का समय आ गया है। आप विज्ञापन को बढ़ाकर या विस्तारित उत्पाद श्रृंखला के साथ बड़े बाजार हिस्सेदारी के लिए जाकर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वासी बनते जाएंगे, आप अधिक महंगे उत्पादों के साथ प्रयोग कर सकते हैं जो उच्च मार्जिन प्रदान करते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो आप एक ई कॉमर्स साम्राज्य बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की राह पर होंगे। यहाँ कुछ विशिष्ट युक्तियां दी गई हैं जो आपके व्यवसाय को स्वचालित करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। एक ऑनऑर्डर प्रबंधन प्रणाली OMS का उपयोग करें। एक OMS आपके ऑनऑर्डर को स्वचालित रूप से संसाधित करने, आपके आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करने और आपके ग्राहकों को ट्रैकिंग जानकारी भेजने में आपकी मदद कर सकता है। एक ग्राहक संबंध प्रबंधन CRM प्रणाली का उपयोग करें। एक CRM आपको अपने ग्राहकों के डेटा। ड्रॉपशिपिंग एक विशेष प्रकार का ई कॉमर्स है, जहां आप ग्राहकों को आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ते हैं और लेनदेन का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं। कोई भी अपना ड्रॉपशिपिंग ऑपरेशन सेटअप कर सकता है। एक आला उत्पाद चुनकर, थोड़ी सी समय और पैसा विज्ञापन और मार्केटिंग पर लगाकर और अपने कार्य प्रवाह को ध्यान से अनुकूलित करके, समय के साथ आप अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं और बहुत कम जोखिम या ओवरहेड के साथ वास्तविक लाभ कमा सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट युक्तियां दी गई हैं जो आपको अपना ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकती हैं।